वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्यस फन विद क्रिएटिविटी। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग के साथ फुल डिस्कशन में जाऊंगी, तो वो मेरा गोल्डन एरिलिया का प्लांट है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर मेरे में काफी क्वेरीज आई थी, जो मैंने पहले भी इसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत से प्रॉब्लम दोस्तों ने अपने इस गोल्डन एरिलिया के प्लांट्स के बारे में मुझसे क्वेरीज की कि उनके बच नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं फुल जानकारी देने की ट्राई करूंगी, ताकि आप लोग के प्लांट ये परमानेंट रह सके और फुल उसकी अच्छे से ग्रो हो सके। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, नहीं तो आप लोगों को अधूरी जानकारी ही मिलेगी, नहीं तो फिर से मेरे में यही क्वेरीज आती रहेंगी। तो दोस्तों, तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए, ताकि आप लोग को मेरे इस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, और अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी मेरा ये गोल्डन एरिलिया के प्लांट्स। ये मेरे गार्डन में लगभग 4 साल से ऊपर हो गया है, जो बिल्कुल वैसे की वैसे ही है और उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है। ये इस वाले प्लांट की तो अभी मोर देन 4 इयर्स के लगभग हो गया है, मुझे ठीक से टाइम याद नहीं। और ये वाला मैं लास्ट ये विंटर में लेकर आई थी। तो देखिए, दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, फुल ग्रीन है, डार्क ग्रीन, बहुत ही सुंदर इसकी ग्रोथ है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ इसकी केयर के बारे में, जो अक्सर हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि उनके हर समय या तो उनकी पूरी पत्तियाँ, इसकी जो लीव्स है, झड़ जाती है, और या तो उनके पूरे प्लांट्स, मतलब नर्सरी से लाने के बाद बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती उनकी क्या होती है, मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगी। और ये हमारा एक परमानेंट प्लांट है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी अच्छे से केयरिंग करें तो ये पूरे बहुत सालों तक हमारे गार्डन में टिके रहेंगे, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ इसकी, जो मेरे ये 4 साल से ऊपर हो गया। और ये वाला भी अभी फुल सुंदर से इसकी ग्रोथ हो रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। जिस तरह से मैं इसकी केयरिंग करती हूँ, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है उसी तरह से आप लोग भी इसकी केयर करें। दोस्तों, ये हमारा परमानेंट प्लांट है, बहुत इजी है ग्रो करना, ना इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, बस थोड़ी सी इसकी केयरिंग बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले आप लोगों ने अगर अपने इस एरिलिया के प्लांट को फुल सनलाइट के नीचे रखा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन दोस्तों से कि प्लीज़ अपने इन प्लांट को वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, और बस जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पर अपने इस प्लांट को रख दीजिए। मेरा ये प्लांट हर समय बरामदे में रहता है, मैं कभी भी इसे नीचे ग्राउंड में नहीं लाती। बस आज आप लोगों को शो करने के लिए मैंने अपने इस गार्डन में इनको यहाँ पे लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी टू ग्रो है, और बस इसकी केयरिंग थोड़ी हमें अच्छे से करनी होती है। आप अपने प्लांट को बस ब्राइट लाइट दीजिए, इसको कभी भी डायरेक्ट सनलाइट ना दीजिए। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट देना चाहते हैं, तो मॉर्निंग के जो बहुत ही सॉफ्ट सनलाइट होती है, तो उसको आप दे सकते हैं, बट दिन की सनलाइट इसे कभी ना दे। ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पर या तो पार्शियल शेड आती हो, या तो 1-2 घंटे की सनलाइट आती हो, इसके लिए बहुत ही सफिशियंट है। दोस्तों, इस प्लांट की ब्यूटी इसके जो लीव्स है, फुल इसके लीव्स है। इस प्लांट में फ्लावर्स नहीं आते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये इसकी ब्यूटी इस लीव्स पर ही है, जो हम इसके लीव्स को देखकर ही हम लोग नर्सरी से इसको बाय करते हैं। तो इसकी हमें केयर इस तरह करना चाहिए। और ये गोल्डन एरिलिया के नाम से क्यों जाना जाता है, ये भी मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। क्योंकि अगर आप देखिए, इधर से आप देखिए, आप जब इसमें सनलाइट पड़ती है, तो इसकी जो ऊपर की जो लीव्स है, वो बिल्कुल हल्की हल्की गोल्डन सी लगती है। तो देखिए, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, इसीलिए इसे गोल्डन एरिलिया भी कहते हैं। इसकी और एरिलिया प्लांट की और भी वैरायटी है, जो मैं आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो दोस्तों, आप इसे फुल सनलाइट में ना रखिए और पार्शियल शेड में रखिए इसे। आप कई लोग इसे इंडोर भी रखना चाहते हैं। इंडोर रखने से और बाहर रखने में ये जो पार्शियल शेड में बहुत ही अंतर है। इंडोर रखने से उसकी केयरिंग अलग होती है, और अगर हम बाहर अपने बरामदे या बैल्कोनी में रखेंगे, तो उसकी केयरिंग अलग होती है।
अगर आपने ऐसे जगह प्लेस कर रखा है तो मैं गारंटी देती हूँ आपके ये प्लांट कभी भी मरेंगे नहीं। और इसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ, इसे कभी भी हाई रिलीजिंग फर्टिलाइजर कभी ना दीजिए, इसे स्लो मतलब लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर इसके लिए बेस्ट है। और इसे मैं आप लोग को बताती हूँ, मैंने इसे कभी लिक्विड फर्टिलाइजर कभी नहीं दिया, इसीलिए शायद मेरे यहाँ पे बहुत दिनों से टिका हुआ है। इसे ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या तो अपने किचन से बने हुए कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, वो भी मंथ में एक बार डालेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैं इसे हर समय मंथ में एक बार डालती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसे कभी ना दें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत ही फास्ट रिलीजिंग फर्टिलाइजर होता है और इस प्लांट को उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ओनली पत्तों वाली लीव्स ही इसकी ब्यूटी है, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। तो बेस्ट होगा आप जिस तरह से मैंने कहा है आप उसकी केयर ले, और तो देखिए आपके इस प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत ही फुल ग्रीन रहेगा उसके जो पूरे प्लांट के ऊपर आप देखेंगे पत्ते फुल ग्रीन। आप मेरी प्लांट्स को देख सकते हैं कितना फ्रेश हो रहा है, आज तक 4 साल से ऊपर हो गया ये वाला, वो भी एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही मतलब अभी अभी मैं लेकर आई हूँ, इसे फुल अच्छे से ग्रोथ में है। तो चलिए दोस्तों, हो गई इसकी फर्टिलाइजर की बात, अभी हमें इसकी वाटरिंग की बात करती हूँ। ये गोल्डन अरेलिया को बहुत ही ह्यूमिडिटी वाले प्लेस बहुत ही इसको पसंद है, जहां पर चारों तरफ मॉइस्चर बना रहेगा तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। अगर आप बिल्कुल भी ड्राई जगह रख दें या तो बिल्कुल अंडर सनलाइट रख दें तो आपका ये जो प्लांट है खराब हो जाएगा। सनलाइट के एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी और बहुत जल्दी ये आपका प्लांट खराब होने के बहुत चांसेस है। अक्सर लोगों के ये प्लांट इन्हीं कारणों के कारण मतलब नहीं बच पाते। तो फिर इसे अभी मैं वाटरिंग के बारे में बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स, थोड़ा आप लोग वाटर इसको ध्यान से दे, इसके ऊपर की लेयर की जो सॉइल है, ऊपर सॉइल कभी भी उसको ड्राई ना होने दे। जब भी आपको लगे कि ये ड्राई कंडीशन में आ गए, उसके पहले ही उसे वाटरिंग कर दे। और वाटरिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप ओवर वाटरिंग करें, बस पानी डालते ही थोड़ी देर के बाद नीचे से हर समय एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाए। तो इसके जो ऊपरी लेयर है उसको कभी भी मतलब ड्राई ना होने दे, ड्राई होने के पहले ही इसको वाटरिंग कर दे। ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी गलती से ना करें, क्योंकि रूट रॉट होने की बहुत जल्दी इसमें चांसेस होती है। तो इसे हर समय मॉइस्ट सॉइल की जरूरत होती है। जैसे कि अभी समर डेज है, बहुत जल्दी इनकी सॉइल ड्राई हो जाती है, तो आप लोग मेरी तरह इसको मल्चिंग भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सूखी पत्तियां डालकर इसके चारों तरफ मल्च करके रखा हुआ है। मल्चिंग करते समय ध्यान दें जो ये नीचे की जो स्टैम्प है डायरेक्ट उसके नीचे ना करे, थोड़ा सा ये हाफ इंच के जितना जगह रखकर उसके साइड पे मल्च कर सकते हैं, और या तो स्टोन्स भी रख सकते हैं। इससे ये होगा आपकी जो ये सॉइल है ये स्पॉट की जल्दी से इसका मॉइस्चर एवोपरेट नहीं होगा और बहुत काफी समय तक ये मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा। हो सके तो जब भी आप लोग इसकी सॉइल मिक्सिंग करें तो उसमें कोकोपीट जरूर थोड़ा सा ऐड करें। मैंने इसमें गार्डन सॉइल के साथ 0.5% ये सैंड, 0.5% गोबर और ये वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके, और साथ में मैंने कोकोपीट भी डाला है। कोकोपीट हमारे ये सॉइल की मॉइस्चर को बना के रखता है काफी समय तक, जल्दी से ड्राई नहीं होने देता है। तो आप लोग भी प्लीज फ्रेंड्स ऐसे ही करिए और इसकी केयर इसी तरह से लीजिए। जब भी आपका ये प्लांट फुल ग्रोथ में हो जाएगा, आप लोग देखेंगे ये बॉल शेप का बन जाता है। तो मैं आपको दूर से थोड़ा सा विजुअल दे देती हूँ, देखिए ये पूरा बॉल शेप का है। और अगर आप चाहते हैं तो इसको डिफरेंट शेप में कटिंग करके भी इसकी ब्यूटी को ऐड कर सकते हैं। इस वाले को मैंने थोड़ा सा बॉल शेप, अभी ये लास्ट ईयर मैंने इसकी कटिंग की थी, इस ईयर मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, फिर भी आप देखिए पूरा राउंड हो जाता है, यही इसकी ब्यूटी है। काफी लोग इसलिए इसको पसंद करते हैं क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाता है ये प्लांट फुल ये राउंड शेप में इसकी जो फुल ब्यूटी ऐड होती है। अभी छोटे वाले जो ये वाला मेरा प्लांट है ये भी धीरे धीरे बॉल शेप में आ रहा है, जब इसकी फुल अच्छे से इसकी लीव्स आ जाएंगी तो मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। फ्रेंड्स, ज्यादातर हम लोग देखते हैं ये प्लांट्स जो इसके ड्राई लीव्स आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी,
अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं तो देखिए नीचे को अंदर में इसकी ड्राई लीव्स होती हैं काफी, तो आप इसको ऐसे करके झाड़ दीजिए, झाड़ते ही सारे ड्राई लीव्स नीचे आ जाएगी। यही इसका मतलब वे ऑफ ये केयरिंग है। इसकी केयरिंग, इसकी प्रोपोगेशन फ्रेंड्स कटिंग के थ्रू लग जाता है। अगर आप लोग चाहें तो फिर एक प्लांट से और भी प्लांट बना सकते हैं, बट मैंने इसे कटिंग से आज तक रेडी नहीं किया है। मैं इस वाले एकदम सच कह रही हूँ, आज मैंने दो बार इसकी कटिंग लगा के ग्रो की थी पर मैं सक्सेस नहीं हुई, पर नर्सरी वालों ने कहा है कि ये कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कटिंग से और भी प्रोपोगेशन कर सके तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारा ये ड्यूटी होता है कि फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स में पेस्ट्स या मिलीबग्स कोई भी ऐसे कीड़े मकोड़े अटैक करने के पहले ही हमें इन्हें मंथ में दो बार इसे नीम ऑयल का माइल्ड सॉल्यूशन ये बनाकर इनमें स्प्रे करें। मेरा तो यही रूटीन होता है, पेस्ट लगे या ना लगे मैं इनमें हर समय यही सॉल्यूशन मिक्स करके नीम ऑयल का इनमें स्प्रे करती हूँ फ्रेंड्स। यदि आप इंडोर रखते हैं तो आप ये जरूर देखें, आप इनके जो प्लांट्स के ऊपर ये पत्तों पे जरूर मिस्टिंग करते रहिए फ्रेंड्स। मिस्टिंग करेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छी इसकी ग्रीनरी ऐड रहेगी और आपके गार्डन को फुल ब्यूटी बना रखेगा। दोस्तों मुझे ये एरेलिया का प्लांट शुरू से ही बहुत ही पसंद है, मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, तो आप लोग भी मेरे ये सारे ट्रिक्स को अपनाएं, सारे टिप्स को फॉलो करें तो आपके प्लांट्स कभी भी खराब नहीं होंगे और ये परमानेंट प्लांट बन के रह जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है दोस्तों, आप लोग जरूर इसको अपने गार्डन में ऐड करिए। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी। अगर आप लोगों को भी अभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैं जितना कोशिश होंगी अपने इस अरेलिया प्लांट को कैसे हम अच्छे से इनकी ग्रो कर सके इसके ऊपर मैं सारी आपको डिटेल दूंगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा ये प्लांट। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए ज्यादा से ज्यादा। और फिर से मैं कहती हूँ जो नए फ्रेंड्स हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिना सब्सक्राइब करके ना जाइए। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मीनिंगफुल एंड नॉलेजेबल वीडियो बनाती रहती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर ऑफ योर गार्डन और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग।